सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया, साथ ही इस पर 6 महीने के भीतर सरकार को कानून बनाना होगा। इस मामले पर 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की। 2 जज 3 तलाक के पक्ष में थे, वहीं 3 इसके खिलाफ थे। बहुमत के हिसाब से 3 जजों के फैसले को बेंच का फैसला माना गया। बेंच के जस्टिस JS खेरा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, RF नीरिमन, UU ललित और S अब्दुल्ला नरीज शामिल थे। इस केस की सुनवाई 11 मई को शुरू हुई थी। जजों के ने इस केस में 18 मई को अपना फैसला सुरक्षित कर रख दिया था। इससे पहले ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि यह एक विचार करने का मुद्दा है कि मुसलमानों में ट्रिपल तलाक जानबूझकर किया जाने वाला मौलिक अधिकार का अभ्यास है, ना ही बहुविवाह बनाए जाने वाले अभ्यास का। और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।